नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा जिले में एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले का आयोजन 29 दिसंबर 2022 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में किया जा रहा है। दरअसल उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लिया। कंपनियों में लगभग 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएंगी। कंपनियों द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, टीम लीडर, लेखापाल, सुरक्षा गार्ड आदि पदों पर भर्ती की जाएगी। कंपनियों के प्रतिनिधि आवेदकों के साक्षात्कार लेकर प्रारंभिक रूप से चयनित करेंगे। मेले में 18 से 45 वर्ष के आवेदक, जो कि 8वीं से लेकर स्नातकोत्तर MBA किसी भी विषय में पास आवेदक एवं तकनीकी योग्यता के आवेदक भी इन पदों हेतु लघु रोजगार मेले में भाग लेकर योग्यता अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर द्वारा जिले में एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार मेले का आयोजन 29 दिसंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर पोलो ग्राउंड इंदौर में किया जा रहा है। उप संचालक रोजगार PS मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लिया। कंपनियों में लगभग 500 से अधिक विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएंगी। आज क्या है कि जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें 10:30 बजे से 3 बजे तक का समय हमने रखा है। फिर भी अगर बच्चे आते हैं और कंपनियों की पूर्ति नहीं हो पाती तो हम लोग आगे भी उसको 3 के बाद तक भी जारी रखेंगे। इसमें करीब 8 कंपनियां जो है वो सहभागिता कर रही हैं और 450 पदों के लिए जो है भर्ती की कार्रवाई करेगी। इसमें अनुभव वाली वैकेंसियां भी हैं और इसमें अभी करीब 350 के लगभग बच्चे आ चुके हैं और बाकी अभी 3 का टाइम है, तो 3 बजे तक और उसके बाद तक भी बच्चे आते रहेंगे। तो हम लोग उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि 70 लोगों के इंटरव्यू होते रहें। कौन कौन सी कंपनियां हैं? हाँ, इसमें जो है पटेल मोटर्स है, एरेना सुजुकी है, रूप रंग स्टोर्स है, SIS सिक्योरिटी वाली है, इंस्टा कनेक्ट जो है टेलीकॉलर के लिए है, स्विगी स्मार्ट वॉच है, दैनिक भास्कर के सर्वे वाली टीम भी है। अच्छा सर, वो बताएं, मतलब देखा जाए तो एक जो एक आयु है इसकी, कितने आयु तक की इसमें अधिकतर कंपनियां जो भी हो 18 से 35 वर्ष तक पर विचार कर रही हैं। फिर भी अगर अधिक आयु के आते हैं तो हम ऐसे आवेदकों को सीधे कंपनी के वहाँ चर्चा के लिए भेज रहे हैं। अगर कोई कंपनी उनको कोई कंसीडर कर लेती है तो कोई दिक्कत नहीं। रोजगार मेले के दौरान जिस तरीके से रोजगार दिए जाने की बात की जाएगी तो एक कम से कम सैलरी और ज्यादा से ज्यादा सैलरी क्या रहेगी? इसमें कम से कम 8,000 से शुरू होकर के 25,000 और 30,000 तक भी है, उससे अधिक भी है। पर उसमें अधिक वालों में जो है अनुभव की शर्त लगी हुई है कि 2-3 साल का अनुभव हो तो उनके लिए ज्यादा वेतन है। अभी तक सर कितनी प्रवेश मतलब आज के नाम अभी तक के कितने रोजगार के लिए यूपी द्वारा? अभी करीब 350 के लगभग आ चुके हैं और बाकी बच्चे अभी सतत आ रहे हैं। सर आपका नाम? PS मंडलोई, उप संचालक, जिला रोजगार कार्यालय इंदौर। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट TV पर। आई प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट TV ऐप।